मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। तो फाइनली दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच में महामुकाबला शुरू हो चुका है। इस वक्त अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन की फिल्म मैदान, दोनों की ही एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैदान और बड़े मियां छोटे मियां के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं करीना कपूर कृति सेनन तब्बू की फिल्म क्रू के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ के 8 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वही हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग के भी 7 दिनों के ऑल इंडिया कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म गोडजिला एक्स कॉन्ग के बारे में, जिस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से शानदार कमाई की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी सबकी उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किया और फिल्म का जो फर्स्ट वीक का इंडिया कलेक्शन है वो पूरी तरह से धमाकेदार रहा। बात की जाए इस फिल्म के 7 दिनों के टोटल इंडियन कलेक्शन के बारे में, दोस्तों गोडजिला एक्स कॉन्ग ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर ही इंडिया कलेक्शन 56,10,00,000 रुपए का कर लिया था। वही छठे दिन फिल्म ने इंडिया से कमाई सभी भाषाओं में 4,83,00,000 रुपए की। हालांकि इस फिल्म के कलेक्शन आज फिर से जबरदस्त है और गोडजिला एक्स कॉन्ग अपने 7वें दिन इंडिया कलेक्शन कर रही है 4,50,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों हॉलीवुड की गोडजिला एक्स कॉन्ग का शुरुआती 7 दिनों में ऑल इंडिया कलेक्शन हो चुका है 65,40,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसकी अपडेट अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, तो कल के वीडियो में मैं आपको इस फिल्म के जो फाइनल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो भी बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें मलयालम फिल्म द गोट लाइफ के बारे में, पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ जिसका बजट 80 करोड़ रुपए था और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 8 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, टोटल 5 भाषाओं में रिलीज की गई और फिल्म को हर एक भाषा में जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से लाजवाब है। हालांकि दोस्तों, फिल्म इतनी जबरदस्त है कि इस फिल्म को जिन जिन लोगों ने देखा सब ने इसकी भर भर के तारीफ की, जिसके चलते इस फिल्म ने पहले हफ्ते में तो अच्छी खासी कमाई की और आज जहां फिल्म का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और फिल्म दूसरे हफ्ते में भी करती जा रही है शानदार कमाई, और अब ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पृथ्वीराज सुकुमारन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के सभी भाषाओं के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों द गोट लाइफ ने शुरुआती 6 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 42,10,00,000 रुपए का किया था। तो 7वें दिन फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन किया 4,28,00,000 रुपए। हालांकि बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 8वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो भी काफी बढ़िया है और ये फिल्म अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 4,10,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों द गोट लाइफ का शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 50,48,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 60 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में भी 37,50,00,000 रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों द गोट लाइफ का शुरुआती 8 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 97,50,00,000 रुपए और दोस्तों ये फिल्म कल यानी कि अपने 9th डे पर दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन आप अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रू के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे करीना कपूर, तब्बू, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और फिल्म में एक दमदार कैमियो में नजर आए थे कपिल शर्मा। यहां पर दोस्तों क्रू फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर सबको सरप्राइज किया और जितनी हम सबकी उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर कमाई इस फिल्म ने दुनिया भर से कर डाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर इस फिल्म को भी अच्छे खासे रिव्यूज मिले थे। यह फिल्म भी
लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, जिसके चलते फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई की, साथ ही साथ फिल्म को विदेशों में भी जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से कमाल का है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का बजट सिर्फ 50 करोड़ रुपए है, लेकिन ये फिल्म बजट से भी कहीं ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अभी से ही सुपरहिट हो चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी अच्छी खासी कमाई करती जाएगी और शायद ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म बन जाएगी। हालांकि बात करें यहां पर क्रू के 7 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों क्रू फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 41 करोड़ 12 लाख रुपए का किया था। वही छठे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ 71 लाख रुपए का आया। नजर डाली जाए इस फिल्म के आज यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन पे तो दोस्तों फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले फिर से हल्की सी ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने 7वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए के रेंज में कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों क्रू फिल्म का शुरुआती 7 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 48 करोड़ 33 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 57 करोड़ 21 लाख रुपए। बात की जाए इस फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई की, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल कमाई 31 करोड़ 14 लाख रुपए की कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों यहां पर क्रू फिल्म का 7 दिनों में यानी कि पहले हफ्ते में जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 88 करोड़ 35 लाख रुपए का हो चुका है। जी दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 88 करोड़ 35 लाख रुपए की शानदार कमाई पहले हफ्ते में कर चुकी है और आने वाले मुश्किल से 2-3 दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर देगा। बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर क्रू फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने जा रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान के बारे में, जो कि एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ में हमें प्रिया मणि देखने को मिलेगी। बता दो दोस्तों ये फिल्म लगभग 4 सालों से आगे बढ़ती जा रही थी और फाइनली अब ये फिल्म 10 अप्रैल यानी कि ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन की ये फिल्म रिलीज होने को तैयार है, लेकिन उनकी पिछली फिल्म शैतान जिस फिल्म को सिनेमाघरों में लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं वो फिल्म भी अभी सिनेमाघरों में चलती जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 10 अप्रैल को ऐसा होगा कि बहुत सारे सिनेमाघरों में मैदान चल रही होगी और कुछ एक सिनेमाघरों में अजय देवगन की शैतान को भी चलाया जा रहा होगा। तो इस वक्त अजय देवगन की पहली हिट तो शैतान बन चुकी है, लेकिन बात करें मैदान के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि मैदान फिल्म जिस फिल्म को रिलीज होने में अब समय बचा है सिर्फ 6 से 7 दिनों का और इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में पूरी तरह से शुरू कर दी गई है, लेकिन इंडिया में इस फिल्म की बुकिंग को लिमिटेड जगह पर शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म की इंडिया में बुकिंग शुरू तो हो चुकी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर भी फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है एडवांस बुकिंग में इंडिया में वो एक तरह से ठीक ठाक है और ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का कलेक्शन अभी तक एक तरह से डिसेंट आया है। बात करें यहाँ पर मैदान के अब तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि मैदान फिल्म की अभी तक ऑल इंडिया बुकिंग हो चुकी है 18 लाख रुपए की, जहां पर फिल्म की टिकटें बिक चुकी है 7,720। लेकिन बात करें ओवरसीज की तो दोस्तों फिल्म की ओवरसीज में बुकिंग अभी तक हो चुकी है 37 लाख रुपए की। तो जहां इंडिया की बुकिंग 18 लाख रुपए, ओवरसीज की बुकिंग 37 लाख रुपए, यानी कि मैदान का जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो हो चुका है 55 लाख रुपए का। फिर से याद दिला दूं दोस्तों फिल्म की इंडिया में जो एडवांस बुकिंग है ना पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। एक बार फिल्म की एडवांस बुकिंग फुल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ये फिल्म इंडिया में भी शानदार एडवांस बुकिंग में कलेक्शन करेगी। लेकिन देखना यह होगा कि यह फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के सामने कितनी बड़ी कमाई कर पाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में। तो दोस्तों इस वक्त बड़े मियां छोटे मियां सही मायने में 2024 की सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि दोस्तों जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है और जब से लोगों को पता चला था कि पहली बार बॉलीवुड के रियल एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ आएंगे, जब से ही इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में एक अच्छी खासी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस फिल्म का पहला टीजर भी सुपर डुपर हिट था, उसके बाद फिल्म का ट्रेलर भी धमाकेदार था जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब दोस्तों आपको बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां फिल्म भी रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल को और इस फिल्म को भी रिलीज होने में समय सिर्फ 5-7 दिन का बचा है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है विदेशों में तो 3 से 4 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इस फिल्म की इंडिया की एडवांस बुकिंग को नहीं शुरू किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के इंडिया के बुकिंग अभी तक शुरू नहीं हुए और शायद कल या परसों तक इस फिल्म की इंडिया में भी बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की जो विदेशों की एडवांस बुकिंग है वो एक तरह से देखे जाए तो अजय देवगन की फिल्म मैदान से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो ओवरसीज का एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो $3,77,000 का हो चुका है, जिन्हें अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो होते हैं 3,14,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग में ही 3,14,00,000 रुपए की कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। बता दो दोस्तों, ये एडवांस बुकिंग वीकेंड की है, फर्स्ट डे की नहीं। तो फिल्म की एडवांस बुकिंग एक तरह से दिखे जाए तो ओवरसीज मार्केट में तो ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि फिल्म की इंडिया में जब एडवांस बुकिंग शुरू होगी तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कैसी शुरुआत करती है। हालांकि इतना तो कंफर्म है कि ये फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। बाकी वैसे आपको क्या लगता है, इस ईद के मौके पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अजय देवगन के मैदान में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।